नमस्कार सनातन विचार में आपका स्वागत है आज इस पुस्तिका पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री पुष्प दंत विरचित शिव महिमन स्त्रोत्र है सरल हिंदी तथा पद्यानुवाद सहित है ये पुस्तिका कोड पांच है फाइव मूल्य केवल पांच है और कुल पृष्ठ इसमें चौसठ है सिक्सटी फोर यहाँ स्त्रोत्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है भूमिका के अंतर्गत प्रस्तुत स्रोत में भूत भुद भावन भगवान शंकर की महिमा का वर्णन है इसमें बत्तीस श्लोक श्री विष्णु परक भी हैं किंतु पुस्तक का क्लेवर ना बढ़े इसलिए मात्र शिव पक्ष को ही व्याख्या में दिखलाया गया पुस्तक के रचियता पुष्प दत्ताचार्य गंधर्वों के राजा थे वे परम शिव भक्त होने से प्रतिदिन नियम शिवार्चन करते थे दैवी शक्ति से संपन्न होने के कारण वह अदृश्य होने में सक्षम थे वे छिपकर प्रमोद राजा के उद्यान से पूजा के लिए पुष्प ले जाया करते थे वाटिका के रक्षक तथा अचानक एक दिन विहार प्रिय राजा प्रमोद ने वाटिका में पहुंचकर मालियों से फूल की कमी का कारण पूछा रक्षकों ने कहा राजन हम लोग निरंतर रखवाली करते रहते हैं फिर भी पुष्प गायब हो जाते हैं राजा ने विचार किया कि इसमें कोई दैवी शक्ति काम कर रही है अतः जब तक उस दैवी शक्ति को कुंठित नहीं किया जाएगा तब तक यह चोरी बंद नहीं होगी इस विचार का राजा ने पुष्पहरण होने वाले मार्ग पर बिल्व पत्र पुष्प जलादी शिव निर्मा छुड़वा दिया दूसरे दिन गंधर्व राज भूल से शिव निर्माण का उल्लंघन कर पुष्प चयन पुष्प चयन तो किया पर अपराध दैवी शक्ति छिन्न जाने के कारण उड़ ना सके वे विचार करने लगी कहीं शिव पूजन में गड़बड़ी तो नहीं हुई इस विचार विमर्श में जब उनकी दृष्टि नीचे गई तो उन्होंने पैरों के नीचे जमीन पर शिव मुन्माले पड़ा देखा और फिर समझ गए कि इसी के उल्लंघन से मेरी दैवी शक्ति का ह्रास हुआ है इसके कारण मैं अदृश्य होकर उड़ने में असमर्थ हो रहा हूं पुनः दैवी शक्ति की प्राप्ति के लिए गंधर्व राज ने आशुतोष भगवान शिव शिव की जो स्तुति की वह शिव महिमन स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ पुष्प पुष्पाचार पुनः देवी शक्ति संपन्न हुए और पुष्प लेकर अदृश्य रूप से वाटिका से उड़ गए अपने नियमित स्थान पर पहुंचकर भगवान शंकर का भक्ति भाव से पूजन किया भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु तो यह स्त्रोत बड़ा ही उपयोगी है कोई भी शक्ति को पुनः प्राप्त करना कराने वाला है इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है इस स्त्रोत के पाठ से पाठकों का अपना कल्याण साधन करना चाहिए प्रकाशक यह हिंदी अनुवाद सहित है विस्तृत व्याख्या दी गई है जैसे यहाँ श्लोक दिया गया है फिर नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है श्लोक में नंबरिंग नहीं दी गई है लेकिन अनुवाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर यह एक दो इस प्रकार से अनुवाद में दिया गया है जैसा कि कहा गया है कि जो विष्णु परक श्लोक है वो इसमें नहीं दिए गए हैं केवल भगवान शंकर से संबंधित जो श्लोक है वही दिए गए हैं तो हिंदी में वंदना है जो वंदना है उसमें भगवान शंकर की परमात्मा रूप से भी वंदना है स्त्रोत के अंतर्गत और उसके अलावा विभिन्न पुराणों में जो अलग अलग आख्या आए हैं उनका भी बहुत ही सुंदर वर्णन है इस स्त्रोत्र में थि श्री शिव महिमन श्रोत संपूर्णम चालीसवे पृष्ठ पे स्रोत समाप्त हो रहा है कुल तैंतालीस इसमें ये दिए गए हैं श्लोक या गद्य और उसके बाद ये पद्यानुवाद है जो कि शायद अवधि भाषा में है अवधि या ब्रज भाषा में है और जितने भी मूल श्लोक है उनका अनुवाद दिया गया जैसे हमने यहाँ तैतालीस देखे शिव महिमन स्त्रोत पद्यानुवाद और कुल इसमें भी आप देख सकते हैं कि िस दिए गए हैं शिव महिमन स्त्रोत संपूर्ण तो यह भी शिव महिमन ही है बस स्त्रोत्र हिंदी या संस्कृत में नहीं है है फिर श्री शिव पंचाक्षर दिया गया है। इसके अलावा हैचार्य शंकराचार्य विरचित श्री शिव पंचाक्षर स्त्रोत संपूर्ण फिर एक द्वादश ज्योतिर्लिंगानी करके दिया गया है मगर यह शंकराचार्य रचित जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्र है यह वह नहीं है इसमें केवल द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है और एक प्रातः स्मरणीय स्त्रोत दिया गया है इति श्री शिवस्य प्रातः स्मरण भगवान शंकर का प्रातः प्रातः स्मरण स्त्रोत्र दिया गया, गया। अंतिम के दो पृष्ठों में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सहस्त्र नाम स्त्रोत्र जो है उसकी जानकारी दी गई है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में